फाइनली दोस्तों हम आ गए एक नए लोकेशन पर, देख सकते हो शिल्पाराम, यहाँ पर हम लोग अभी इन करने वाले हैं। और वहाँ पर दोस्तों टिकट काउंटर है, वहाँ पर टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं और अंदर में क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना दोस्तों। तो चलिए टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। ये दोस्तों शिल्पाराम देख सकते हो, अंदर हम लोग घुसने वाले हैं फिलहाल, यहाँ का ये लोकेशन है। और भीड़ दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं अंदर में। वहाँ पर टिकट काउंटर है दोस्तों, वहाँ पर टिकट लेकर आ रहे हैं सब लोग, ठीक है। हम लोग जाते हैं अंदर और घुसते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ गए हैं शिल्पाराम, अंदर का नज़ारा आप देख सकते हो, लेकिन माइक छीन लिया बाहर में, ठीक है। और सिर्फ कैमरा कर सकते हैं, माइक से हम बोल नहीं सकते हैं, छोटा सा है, हम लोग गांव से तालाब से भी छोटा है। ये सब पैसे कमाने का जरिया, ठीक है। इस पर नाव पर चढ़ो और घूमो, पता नहीं आगे क्या देखने को मिलेगा भाई, देखते हैं आगे जाके, कुछ दिखता है तो मैं आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली शिल्पाराम में हम लोग घुस गए हैं, लेकिन मेरा माइक दोस्तों छीन लिया गया, ठीक है। सिर्फ माइक, मोबाइल से कैमरा कर सकते हैं लेकिन माइक रख लिया। और पता नहीं यहाँ का क्या सिस्टम है भाई, माइक रखने से क्या होगा, हम तो वीडियो ऐसे भी बना सकते हैं, मोबाइल रख लेना चाहिए था, या फिर कैमरा वगैरह तो है नहीं, फिर भी माइक वहाँ रख लिया। सिर्फ मोबाइल नंबर दे दिया मैंने, नाम वगैरह पूछा, नाम मैंने लिख दिया और माइक वगैरह आके रख लिया, ठीक है। देखते जहाँ तक होता है भाई, ऐसे में वीडियो बनाऊँगा लेकिन दिखाएँगे आपको। ये देखो भाई बैलगाड़ी, ये देखो पीछे बैलगाड़ी, यहाँ पर यही सब देखने को मिलेगा भाई, बैलगाड़ी। हम लोग गाँव तरफ भी अभी भी है लेकिन दिखाऊंगा आपको। ये देखो भाई बैलगाड़ी, ये कुछ नया नहीं हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग के गांव में तो है ही है ऑलरेडी। और जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई, सब चीज़ जो गाँव में है ऑलरेडी, वो वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे फिलहाल। और यहाँ पर इसमें विलेज म्यूजियम, यहाँ पर वही सब विलेज वगैरह सबको दिखाया जाएगा आपको, दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो अंदर, चलो अंदर अंदर आओ। अब भाई अब एंट्री लेते हैं विलेज म्यूजियम में, यहाँ पर देख सकते हैं वाटर ड्रिंकिंग। हाँ किसान भाइयों को थोड़ा देख लेते हैं भाई, यहाँ पर सेल्फी वगैरह ले सकते हैं माथा घुसा करके, जिस तरीके से ले रहे हैं लोग, ये देखो। गंगाराम, गंगाराम है भाई गंगू तेली, ये देखो। चलिए हम लोग भी माथा घुसाते हैं, सकते हैं सभी लोग माथा घुसा दिए हैं और खिंचवा रहे फोटो। ये इस सब बनाया गया है दोस्तों, इसमें माथा घुसा के आप फोटो खिंचवा सकते हैं। इधर भी देख सकते हो, इधर भी देखो, जाओ जाओ जाओ, अभी जाने वाला है मोती, सब लाइन में लगना पड़ेगा भाई ऐसा फोटो सेल्फी लेने के लिए। हर बार निकल, हर बार अभी लगा विलेज लाइफ स्टाइल को यहाँ पर दिखाया गया फिलहाल, देख सकते हो। ये देखो ऐसे तो विलेज में भी देखने को मिलेगा ही आपको, लेकिन यहाँ पर विलेज म्यूजियम में आपको जितने भी विलेज में सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे फिलहाल, देख सकते हो। ये देखो ड्रेन क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग, ये देखो
बनाया गया है। ये देखो अभी गांव तरफ भाई देखने को मिलेगा, लेकिन शहर में भाई कौन है यहाँ कुमारती गली में। यहाँ पर म्यूजियम आपको विलेज म्यूजियम के नाम से ही आपने देखा होगा फिलहाल शुरू में, ऐसा दोस्तों पूरा है, पूरा म्यूजियम ही बना हुआ है भाई। दोस्तों आगे मैं दिखाता हूँ कुछ, यहाँ पर भी एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ देखो इधर ही भाई फोटो खिंचवा सकते हो सेल्फी, ठीक है। चीजें हैं भाई शिल्पाराम हैदराबाद, आके देख सकते हो। ये भाई देहात का बंधिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ इसमें धान चावल वगैरह रखते हैं वो है। और इधर देखो पासी है कि ढोकला तबली बनाने वाला बनाने का ये सिस्टम है। चलिए आगे दिखाता हूँ, ये देखो भाई लगता है एज इट इज यहाँ पर कोई बैठा है। सपेरा है, सपेरा ये चचा। पूरा घर बना दिया है भाई, ये देखो कुटिया सपनों का घर है। हम लोग गांव में ही ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर एक म्यूजियम बना दिया गया है देखने के लिए, लेकिन गांव तरफ जाओ रियल में देखने को मिलेगा। चलिए और दिखाता हूँ आपको इधर, ये देखो। चलिए पीछे वाला कैमरे दिखाता हूँ फिलहाल, पूरा क्लियर से दिखेगा, ठीक है। विलेज बाजार, ये विलेज बाजार है भाई, देख लो। विलेज में बाजार कैसे रहता है दोस्तों वो यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ये देखो इसको क्या बोले, ओझा हाउस झाड़ फूक का दोस्तों यहाँ पर है। और जूम आउट मंदिर, चेरियल पेंटिंग, राक्षसुड़ యొక్క పట్టణం, రాక్షస పట్టణంలో వానరమైన మర్మముట ఇది ఒక విరకం అందుని విచారతము, నీ పేరేమి, నీ తలతండ్రుల పేరేమి నాయనా, ఖానా నా బల్లో ఈతో సమృద్ధిగా ఏ కుటియా బాయి మనసుకు విష్ణుమూర్తిని ఖానా బనా రహీ దేఖో ఐసా చులా గావ్ మే దేఖనే కో మిల్ జాయేగా అబ్బే భీ, ठीक है। इधर भी है भाई कारपेंटर, भाई बहुत चीज़ है इधर, ठीक है। अब मैं इधर से मैं दिखाता हूँ, इससे मूर्ति है। आगे हम लोहार के पास, ये देखो भाई लोहार, राजस्थानी
नब्बे साल का बुड्ढा दोस्तों आगे जाते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको विलेज म्यूजियम मैंने आपको दिखाया पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या चीज़ है। माइक तो भाई छिना गया, माइक तो है नहीं, ठीक है, थोड़ा तो आवाज़ कम ही जा रहा होगा। जो भी है गोलकंडा से यहाँ बहुत ही अच्छा है, गोलकंडा हम लोग गए थे दोस्तों, अभी वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन भाई यहाँ का एक सिस्टम बहुत ख़राब लगा कि सिर्फ माइक उन्होंने रख लिया, मोबाइल हमको दे दिया भाई। सिस्टम होता है, ठीक है, सिस्टम ऐसा थोड़ी है, कैमरा बड़ा सा कैमरा अलाव नहीं है, ठीक है, नहीं छोटा सा मोबाइल अगर दे रहे हो भाई, हम ऐसे भी वीडियो बना सकते हैं ना बिना माइक का, बना भी रहे हैं वीडियो। छुपा के लाना चाहिए ना आप, छुपा के क्या लाएंगे, और भी है, और भी जगह गए घूमने, ऐसा थोड़ी कि माइक रख लिया। दोस्तों मेरे को अच्छा लगा इसका माइक रख लिया। अच्छा लगेगा भाई, वीडियो तो बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम डबिंग भी कर देंगे अगर आवाज़ ना आया हो तो। फिलहाल देख सकते हो इधर, इधर हम जाके आपको दिखाते हैं, इधर तालाब मैंने आपको दिखा दिया। तो भाई बड़ा सा झरना दिखाते हैं आपको हैदराबाद में, जो क्या देखोगे, क्या चीज़ है, मोटर लगा दिया है, चलो।